हेलो चिल्ड्रन, आई विनीता वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की पोएम आर्च जेनिफर्स टाइगर्स, और इसको लिखा है एड्रियन रिच ने। तो पोएम पे आने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएट। अब अगर हम बात करें एड्रियन रिच की, तो ये एक पोएट होने के साथ साथ एक फेमिनिस्ट भी रही है। एड्रियन रिच एक अमेरिकन लेडी पोएट है और साथ में ही फेमिनिस्ट भी रही है। अब बच्चों, फेमिनिस्ट क्या होती है? फेमिनिस्ट वो राइटर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा लिखते हैं महिलाओं के बारे में, और इनकी इस पोएम में भी इन्होंने जिक्र किया है एक महिला का, एक लेडी का, और उसको रेफर किया है आर्च जेनिफर के नाम से। तो अब अगर हम इसकी थीम पे आए, दिस पोएम टॉक्स अबाउट अ वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिज लाइफ। ये पोएम हमें बताती है आर्च जेनिफर के मैरिज लाइफ के बारे में, उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। साथ में ही इट इज द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑल मैरिज वुमेन। अब अगर पोएट एड्रियन रिच रेफर तो किया है सिर्फ आर्च जेनिफर को, लेकिन ये एक कॉमन स्टोरी है बच्चों हर शादीशुदा लेडी की। ऑलराइट, अब आगे एड्रियन रिच बताती हैं कि आर्च जेनिफर की लाइफ, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शी इज टॉर्चर्ड, शी इज अंडर स्ट्रेस, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। और वो कहाँ रहती है? एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, एक पुरुष प्रधान समाज में, जहां पर कि उनके हस्बैंड जो हैं बहुत ज्यादा उनको शोषण करते हैं, बहुत ज्यादा उनका टॉर्चर करते हैं, एंड शी इज अंडर स्ट्रेस। वो बहुत ज्यादा तनाव में है अपनी शादीशुदा जिंदगी में। सारा दिन वो घर के काम में लगी रहती है, अपने पति के और बच्चों के ऑर्डर्स मानती रहती है, अपने लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, उनकी सारे डिजायर्स, उनकी इच्छाएं, उनकी सारी फीलिंग्स बिल्कुल दब के रह गई हैं। इस तरह की है आर्च जेनिफर की लाइफ, और इसी तरह की है हर एक मैरिड वुमेन की लाइफ, हर एक शादीशुदा औरत की लाइफ। लेकिन साथ में ही उन्होंने बताया है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है बच्चों। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? एक विपरीत स्थिति, एक ऑपोजिशन की बात करी है पोएट ने इसके साथ में ही। शी इज टेलिंग, एंड्रियन रिच बताती है, इनर मोस्ट डिजायर्स ऑफ आर्च जेनिफर। जैसे मैंने आपको बताया था, शादीशुदा जिंदगी तो बहुत ज्यादा तनाव में है, लेकिन आर्च जेनिफर के मन में बहुत सारे डिजायर्स हैं, बहुत सारी उनकी इच्छाएं हैं जो बिल्कुल दब के रह गई हैं। अब बाय एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स, अब पोएट क्या बताती हैं कि आर्च जेनिफर की हैबिट है, उनकी एक आदत है कढ़ाई करना। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? कढ़ाई करना। तो उनके सारे इनर मोस्ट डिजायर, जो उनके सप्रेस्ड डिजायर्स रह गए हैं, दबी हुई इच्छाएं रह गई हैं, वो क्या ड्रॉ कर रही हैं, वो क्या एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं? कढ़ाई कर रही हैं टाइगर्स की, जैसे कि बाय एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स। अब आप सोचोगे, आर्च जेनिफर का तो मैम ने बताया है बिल्कुल दबी हुई महिला है, बिल्कुल भी उसको फ्रीडम नहीं है, लेकिन देखो अंदर की इच्छा क्या है उसकी? उसकी इच्छा है कि वो टाइगर्स की तरह अपनी लाइफ को जिए, टाइगर्स की तरह प्राउड फील करे, और एक फियरलेस लाइफ को जीना चाहती है, जो कि उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिकॉज शी इज लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो उनके हस्बैंड है बहुत ज्यादा टॉर्चर उनको। तो बच्चों, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है इन द थीम ऑफ दिस पोएम, वो है कॉन्ट्रास्ट। ऑलराइट, सो व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट? कॉन्ट्रास्ट होता है किसी भी चीज का ऑपोजिट चीज बताना, या किसी भी हम अगर विपरीत बातें करते हैं वही होता है कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पे दो विपरीत बातें कौन सी करी गई है, लेट मी राइट। फर्स्ट वन इज द रियलिटी ऑफ मैरिज लाइफ। यहाँ पे एक वास्तविकता बताई गई है मैरिड लाइफ की, आर्च जेनिफर की मैरिड लाइफ कैसी है? बहुत ही टॉर्चर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको कोई भी आजादी नहीं है कहीं जाने की, कुछ बोलने की या कुछ करने की। और कंट्रास्ट, ऑपोजिट चीज क्या बताई गई है? हर इनरमोस्ट डिजायर्स। डिजायर्स क्या होती है? इच्छाएं, उनकी दिली इच्छा है एक प्राउड लाइफ
जीने की, एक फियरलेस लाइफ जीने की, जैसे कि किसकी होती है, टाइगर्स की। तो इससे हम इसका टाइटल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आम जेनिफर कौन है, ऑप्रेस्ड वाइफ। अब ऑप्रेस्ड क्या होता है बच्चों, ऑप्रेस्ड मतलब शोषण सहने वाला, शोषण ही तो सह रही है वो अपने हस्बैंड का। सो आंट जेनिफर तो ऑप्रेस्ड वाइफ है, बट यहाँ पे टाइगर्स कौन होते हैं, टाइगर्स आर फियरलेस बीस्ट। फियरलेस मतलब निडर, और बीस्ट हो गया जानवर का हम बोलते हैं किसी एनिमल के बारे में। तो देखा कॉन्ट्रास्ट है ना इसके टाइटल में भी, एक तरफ है शोषण सहती हुई महिला या वाइफ, और दूसरी तरफ है टाइगर्स जो कि बहुत ही प्राउड लाइफ व्यतीत करते हैं। दिस इज हाउ द थीम एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज। तो अब हम देखते हैं इस पोएम का स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। आर जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टू पास डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब देखो बच्चों, इस पूरी स्टैंजा में आपके बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज करे गए हैं, उसके साथ में मैं आपको बताती रहूंगी इसमें आए हुए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो बच्चों कीप जॉटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, ठीक है? तो आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स उसके लिखते रहने हैं। So first one, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं rhyme scheme। अब rhyme scheme आप देख सकते हैं last के दो words कौन से हैं, screen and green। तो obviously इसकी rhyme scheme क्या हो जाएगी, a दो lines की, then tree and certainty, इसमें क्या हो जाएगा b। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है राइम स्कीम जो है इस पोएम की वो क्या बनी है, a b b। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा है स्क्रीन एंड ग्रीन, तो a दे दिया हमने इसको, ट्री एंड सर्टेनिटी b। ये स्टैंजा हमारा हो गया a b b। तो आप लिखते रहिए साथ साथ में। अब हम आते हैं फर्स्ट लाइन पे, आर जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब प्रांस का मतलब क्या होता है, प्रांस मतलब होता है छलांग लगाना और जो जंप। तो यहाँ पे आम जेनिफर मैं आपको बताई चुकी हूँ पहले क्या कर रही है बच्चों, एक पैनल पे वुलन टाइगर्स बना रही है, वुल से टाइगर्स बना रही है। क्यों बना रही है, क्योंकि वो अपने इनर मोस्ट डिजायर्स जो उनकी फीलिंग्स है वो टाइगर्स के रूप में निकाल रही है। वैसे तो उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, तो अपनी डिजायर्स जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो टाइगर्स पे निकाल रही हैं कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, टाइगर की तरह प्राउड जिंदगी जीनी है। तो उनके टाइगर्स कैसे हैं, प्रांस जंप करते हुए टाइगर्स को बना रही है, ब्राइट टू पास डेनिजंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब एक और वर्ड इसमें आया है चुपास, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में स्क्रीन का मतलब क्या है, जो जिस पैनल पे जिस कपड़े पे वो वुलन टाइगर्स बना रहे हैं उसका मतलब भी क्या है, स्क्रीन। और टाइगर्स उन्हें कैसे है, जंप करते हुए टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, प्रांस करते हुए। ब्राइट चुपास, ब्राइट मतलब हम सब जानते हैं चमकते हुए, चुपास का मतलब यहाँ पे होता है एक येलो कलर का स्टोन, जैसे डायमंड होता है चमकता हुआ, वैसे ही येलो कलर का एक स्टोन होता है जो काफी ब्राइट चमकीला होता है। अब क्यों ये वर्ड यूज किया है, डेनिजंस के लिए यूज किया है। अब डेनिजंस क्या होते हैं, डेनिजंस होते हैं किसी भी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करने वाले मैन बोल सकते हैं या एनिमल्स। तो यहाँ पे डेनिजंस किसके हैं, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो बिलोंग करते हैं, कौन बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली हमने किसकी बात करी है, टाइगर्स की, जो कि वुल से एम्ब्रॉयडरी कर रही है आंट जेनिफर। टुपास डेनिजंस, टुपास ब्राइट कलर्स के हैं वो, डेनिजंस रहने वाले हैं कहां के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट, किसको बोला गया है, फॉरेस्ट को। तो दो लाइनों में आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि आंट जेनिफर एक कपड़े पे वुल से ऊन से कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, एंड व्हाट शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स हु आर प्रांसिंग, जंप कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी ब्राइट इन कलर्स।
सबको पता है ना कैसे कलर होते हैं टाइगर के, ब्राइट येलो स्ट्राइप्स होती है ना, तो उसी तरह के येलो स्ट्राइप्स में बहुत चमकीले कलर है एंड दे आर द डेनिजंस, वो रहने वाले हैं। टाइगर्स हम सब जानते हैं कहां पे रहते हैं, जंगल में। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। दे डू नॉट फियर द मेन बनीथ द ट्री, डू नॉट फियर द मेन। अब यहाँ पे कौन है, जैसे कोई भी शिकारी फॉरेस्ट में आ गया है, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है या पेड़ के नीचे खड़ा है, उससे वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। दे डू नॉट फियर, फियर मतलब डरना। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, लोगों से, बनीथ द ट्री, जो ट्री के पास खड़े हुए हैं, ट्री के पीछे छुपके खड़े हुए हैं, बहुत ही निडर है, बहुत ही फियरलेस है। दे पेस इन स्लीप शिवालरिक सर्टेनिटी, पेस का मतलब होता है घूमना फिरना, यू नो, टू रोम अराउंड इन द फॉरेस्ट, बहुत ही निडरता के साथ, बहुत ही प्राउड और बहुत ही फियरलेसनेस के साथ उस सब जगह चक्कर काट रहे हैं। स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, ये तीनों ही वर्ड्स बच्चों बता रहे हैं टाइगर्स की क्वालिटीज के बारे में, किस तरह के होते हैं टाइगर्स। स्लीक, दे आर वेरी यू नो रॉयल इन लुक, बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं। शिवेलरिक क्या होता है, वही है अ वेरी रिच लुक हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल लग रहे हैं, बहुत ही जेंटल लग रहे हैं। सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंट है, उसमें बहुत ही ज्यादा विश्वास है किनमें, टाइगर्स में। अब ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में थीम में बताया था, आम जेनिफर कैसी है बेचारी, बिल्कुल ही सताई हुई महिला है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, टॉर्चर सह रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रही है। बट व्हाट शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, वो एम्ब्रॉयडरी किसकी कर रही है, टाइगर्स की, जो कि जंप कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ब्राइट कलर्स के हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उनका पूरे फॉरेस्ट पे राजा की तरह राज कर रहे हैं। दे आर नॉट फियर, बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, एंड मोर ओवर दे आर स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, और साथ में ही काफी रॉयल लुक आ रहा है उन्हें, काफी रिच लुक आ रहा है उन्हें जहां पे वो चक्कर काट रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, एक तो चीज रखनी है ध्यान में कि ये सब उनकी दिखा रहे हैं इनर मोस्ट डिजायर्स, जो दब चुके हैं उनकी लाइफ में, असली की जिंदगी कुछ और ही जी रही है, लेकिन टाइगर्स कैसे ड्रॉ कर रही है, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर के टाइगर्स हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच, एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज आयरनी, किसका यूज किया है यहाँ पे, आयरनी का यूज किया है पोएट ने। तो बच्चों आई होप कि आपने सारे वर्ड मैंने साथ के साथ लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, जो स्टैंड है बहुत ज्यादा यूज हुआ है, दैट इज आयरनी। अब आयरनी क्या होता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज, दैट इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्चुअली सेड। अब क्या मतलब हुआ इसका, असली में तो हम कुछ और बोलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आयरनी है, हम कुछ और ही बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, बोलना तो चाहते हैं, हम रेज करना चाहते हैं पॉइंट दैट आंट जेनिफर इज हाईली स्ट्रेस्ड, शी इज टॉर्चर्ड इन हर मैरिड लाइफ, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, टाइगर्स की। यहाँ पे चारों लाइन में हमने किसकी बात करी है, टाइगर्स की, जो बिल्कुल ऑपोजिट है बिहेवियर में और बिल्कुल ऑपोजिट है उनका लाइफ स्टाइल, किससे, आंट जेनिफर से। तो यही एक आयरनी है, एक विडंबना है, एक ऑपोजिट बिल्कुल ही अलग चीज बताई है। ओके, तो एक्चुअली सेट जो है अलग चीज है, और आयरनी क्या बताते करती है, उसको बिल्कुल ही अलग पॉइंट रेज कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट किसमें पॉइंट आयरनी में क्या है, फ्रीडम, आंट जेनिफर शी हैज नो फ्रीडम इन हर मैरिड लाइफ, बट टाइगर्स दे आर सो फ्रीली, दे आर फ्रीली प्रांसिंग, दे आर पेस्ड इन द सारे जंगल में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सेकेंड वन इज प्राउड एट होम, उनका होम क्या है टाइगर्स का, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट के तो वो राजा है, आराम से घूम रहे हैं, बट आंट जेनिफर टाइगर बिल्कुल भी प्राउड नहीं है एट हर होम, शी इज वर्किंग थ्रू आउट द डे एज अ मेड, बिल्कुल नौकरानी की तरह जो है वो अपनी लाइफ जी रही है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दिए जा रही है अपने हस्बैंड के और अपने फैमिली मेंबर्स के। थर्ड आयरनी आई है अपीयरेंस में। अब ये देखो बच्चों, अपीयरेंस टोपाज जेनिसन, टोपाज वर्ड यूज किया है, ब्राइट वर्ड यूज किया है टाइगर्स के लिए, लेकिन हमारी आंट कैसी है, बिल्कुल डल हो चुकी है, वीक हो चुकी है, उनकी एज के साथ साथ जो है उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल डल हो गया है। थर्ड किसमें यूज किया है, फियरफुल। अब फियरफुल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फियर है उनको उनके हस्बैंड का, जबकि टाइगर है दे आर प्राउडली रोमिंग थ्रू आउट द जंगल,
शिवैल्य। अब किसका है शिवैल्य, क्या बताया था, रिस्पेक्टफुल होना, बहुत ही कर्टियस, बहुत ही जेंटल बिहेवियर होता है किसका, टाइगर्स का। लेकिन इसके ऑपोजिट जो अंकल का बिहेवियर है, जो उनके आंट जेनिफर के हस्बैंड का बिहेवियर है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। काफी ज्यादा वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को टॉर्चर करते हैं। तो ये हमारा काफी ज्यादा इसमें आयरनी दिखाई गई है। एक्चुअली कुछ और बोलना चाहते हैं लेकिन पोएम में कुछ और बोला गया है। ऑलराइट, सो नाउ इट इज कम टू द स्टैंजा नंबर 2। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी नीडल hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो बच्चों अब आप मुझे बताएंगे, जैसे स्टैंजा नंबर 1 में हमारी राइम स्ट्रीम थी, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द राइम स्ट्रीम ऑफ दिस स्टैंजा। अभी देखो लास्ट में जो इसमें आए हैं वर्ड्स वुल एंड पुल, अगेन ए ए बी बी, वो तो हमारी स्टैंजा नंबर 1 की राइम स्ट्रीम हो गई थी। Now we can name it as C C. Rhyme words कौन से हैं? Wool and pull. Next is band and hand. तो हमारा हो जाएगा D D. तो rhyme scheme इस stanza की हो जाएगी C C D D. Alright? अब हम आते हैं इसकी line to line summary पे. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. अब what is the meaning of fluttering? फ्लटरिंग का मतलब होता है कि उनकी वुल पे जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, काफी ज्यादा उनकी ट्रेम्बल कर रही हैं और फास्ट मूवमेंट तो है फ्लटरिंग का, लिटरल मीनिंग तो क्या होता है क्विक मूवमेंट, काफी जल्दी जल्दी वो करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन साथ में जल्दी के चक्कर में उनके हाथ कांप भी रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों कांप क्यों रहे हैं, यहाँ पे 2 रीजंस हैं। फर्स्ट वन, तो बहुत ज्यादा उनका वीकनेस आ चुकी है, आई टोल्ड यू स्ट्रेस्ड है, टॉर्चर्ड है, तो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है आंट जेनिफर और ओल्ड एज तो आ ही रही है। तो एक तो ये रीजन है कि उनकी हैंड्स और फिंगर्स हैं वो ट्रेबल कर रही हैं, साथ में वो काफी जल्दी से कर रही, उनकी हॉबी है वो अच्छे से कर सकती है एम्ब्रॉयडरी, तो काफी फास्ट करने की कोशिश कर रही है। साथ में उनको एक डर है, उनको डर है अपने हस्बैंड का, कहीं वो आ जाएंगे और उनको डांट लगाएंगे फिर से कि तुम क्या टाइगर्स बना रहे हो। देखो बच्चों अपनी हॉबी को सिर्फ टाइगर्स ड्रॉ ही तो कर रहे हैं, वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी तो कर रही है टाइगर्स की, फिर भी कितना बड़ा डर है उनके मन में कहीं हस्बैंड ना आ जाए उनके और उनको फिर से टॉर्चर करना शुरू कर दे टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो ये देखो इसकी वजह से उनके हाथ उनकी फिंगर्स क्या कर रहे हैं, दे आर फ्लटरिंग। ये 2 रीजन याद करने हैं, 1 ड्यू टू ओल्ड एज एंड 1 जो अदर 1 ड्यू टू द फियर ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल क्या होती है, बिल्कुल हल्की सी होती है, सुई जो होती है हाथी दांत की बनी हुई, उससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उसको खींचना उसको पुल करना भी इतना ज्यादा उनको मुश्किल लग रहा है। व्हाई शी इज फाइंडिंग आइवरी नीडल सो हार्ड टू पुल, नॉट बिकॉज ऑफ द वेट, कि बहुत भारी है तो खींच नहीं पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट है, लेकिन वेट किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। उनके कंधों पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है उनकी मैरिड लाइफ की कि उसकी वजह से वो आइवरी नीडल को खींच भी नहीं पा रही है। तो यहाँ पे कोई 10-15 किलो की आइवरी नीडल नहीं है कि वो खींच रही है, उसको भारी लग रहा है, यहाँ पे वेट किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जिम्मेदारी का। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अब ये देखो वेडिंग बैंड, यहाँ पे वेडिंग बैंड किसको बोला गया है, शादीशुदा जिंदगी को, अंकल रेफर किया है उनके हस्बैंड को, आंट जेनिफर के हस्बैंड को ही किससे रेफर किया है, अंकल से। तो जो अंकल की शादी उनसे हुई है आंट जेनिफर की, उनका जो मैरिड वेडिंग बैंड है, जो उनका शादी का बंधन है, उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है, देयर आर टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आंट जेनिफर शोल्डर्स, कि वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, वीक अपने आप को फील कर रही है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में आ चुकी है। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पे क्या है, हैंड का वही है, तभी तो उनको हार्ड लग रही है पुल करना, एक हल्की सी सुई को भी वो पुल नहीं कर पा रही है इसी के रीजन की वजह से। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस कम टू द थर्ड एंड द फाइनल स्टैंजा ऑफ आवर पोएम। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रेंज विद ऑजील्स she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Now children, let me tell you the rhyme scheme. पहले हमने बता देते हैं इसकी, lie and
ऑब्वियसली पहले वाली स्टैंजा की थी ए ए बी बी, सेकेंड की सी सी डी डी, नाउ इट इज ई ई एफ एफ. सो राइम स्कीम इज ई ई एफ एफ. ऑलराइट, नाउ इट इज कम टू द लाइन टू लाइन समरी. फर्स्ट वन इज व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाइव. अब क्या हुआ है, आंट जेनिफर मर चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, नाउ शी इज डेड, शी इज नो मोर. हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाइव, और उनकी हाथ, कैसे हाथ बताए थे मैंने, पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सहन करते करते उनके हाथ कैसे हो चुके थे, बिल्कुल वीक, और साथ में उसमें डर था, टेरिफाइड. ऑब्वियसली किसका डर था, ऑफ हर हस्बैंड. मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो रहती थी, सारा होल्ड किसका था, शी इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड. वो तो पूरी तरह से निर्भर थी अपने पति पे. स्टिल रेंज विद ऑजील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. तो फर्स्ट में टेरिफाइड है, एज आई टोल्ड यू द मीनिंग इज जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए उनके हाथ थे. स्टिल रेंज, अब यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन, रेंज के यहाँ पे टू मीनिंग्स आएंगे. एक तो जो फर्स्ट सेकंड स्टैंजा में था, वेडिंग बैंड, जब शादी होती है, एंगेजमेंट हुई थी अंकल से आंट जेनिफर की, तो उन्होंने रिंग पहनाई थी एज अ साइन ऑफ मैरिज. ठीक है, सिर्फ आप उनकी शादी हुई थी तो वो एक रिंग हो जाएगी फिंगर के अराउंड, लेकिन साथ में जैसे ही वो रिंग अंकल ने पहनाई हमारी आंट जेनिफर को, तो वो उसने क्या कर लिया, अराउंड थी, इट वॉज अराउंड हर फिंगर, लेकिन उसके साथ ही उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसने रेंज कर लिया उनकी लाइफ को, पूरा सराउंड, पूरा घेर लिया उनकी लाइफ को शादी से लेकर उनके मरते दम तक. ऑलराइट, किस तरह से वो उसके बाद सहती गई ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टॉर्चर, स्ट्रेस इन हर मैरिड लाइफ. शी हैज बीन डूइंग ऑल द वर्क्स मास्टर्ड, बार बार ऑर्डर्स लेती गई जो हम आगे देखेंगे. रिंग विद ऑजील्स, ऑडियंस क्या होती है, डेली रूटीन के जो हमारे वर्क होते हैं एंड द डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, जो अग्नि परीक्षा हम बोल सकते हैं सीधी सी भाषा में अगर हम बोले तो, कितनी दी होंगी सोचो आंट जेनिफर ने, राइट फ्रॉम द मैरिज से लेकर उनकी डेथ तक. तो इतने सारे ऑडियंस जो है वो कंप्लीट करती रही, फिर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, अपने हस्बैंड के सामने कभी भी वो नहीं बोली, अपनी सारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो उनके दबे के दबे रह गए. She was mastered by, लेकिन एक बात है, मास्टरी हासिल कर ली उन्होंने, किसमें, ऑर्डर लेने में, जी हजूरी करने में, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपने सारी फैमिली मेंबर्स की. तो देखो बच्चों, she is mastered by ordeals, she is mastered by all the orders, सारी उनकी जो orders थे हस्बैंड के वो लेती गई, ordeals वो पार करती गई. क्या बताया था मैंने, डिफिकल्ट सिचुएशन से लाइफ वो उनके आती गई. नेक्स्ट, the tigers in the panel that she made. अब पैनल क्या होता है, फर्स्ट स्टैंजा में ध्यान करो, स्क्रीन आया था ना एक वर्ड, तो वो स्क्रीन भी क्या था, एक टुकड़ा था, एक वुल का टुकड़ा हम बोल सकते हैं, या फिर एक शीट थी जहां पे आंट जेनिफर वुल से एम्ब्रॉयडरी कर रही थी. थर्ड स्टैंजा में पैनल उसी को बोला गया है जिसपे उन्होंने बुलेट टाइगर जो है वो एम्ब्रॉयडरी किए हैं. ऑलराइट, सो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाए थे टाइगर्स बनाए थे वुल से, will go on prancing proud and unafraid. लेकिन उनके टाइगर अभी भी उनके मरने के बाद भी क्या कर रहे हैं, they are prancing, they are proud, वो अभी भी jump कर रहे हैं, proud, उनको बहुत ही गर्व है अपने ऊपर, and unafraid, obviously बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. तो contrast है, opposite है आंट जेनिफर के बिहेवियर में, बेचारी आंट तो डर डर के जी, लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए थे वो अभी भी कैसे हैं, proud है, prancing, and they are so unafraid. Like this we have come to the end of the poem, और summary, अगर summarize करें इस poem को तो यही होगा, this is a story of a lady and it is a common story of all the women in the society, कि वो किस तरह से उनकी मैरिड लाइफ जीती है, किस तरह से वो शोषण सहती रहती है, एक ऑप्रेस्ड वाइफ बन जाती है, और द टॉर्चर और द स्ट्रेसफुल लाइफ वो जी रही है, लेकिन जो उनके इनर मोस्ट डिजायर है, फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में, दे हैव नो फ्रीडम टू डू व्हाट दे लाइक, ना उनको कहीं जाने की, ना बात करने की, ना अपने मन की इच्छाएं पूरी करने की उनको फ्रीडम है. बट All the women, they have the innermost desire. उनके अंदर के डिजायर होते हैं कि वो भी एक प्राउड लाइफ जिए, बहुत ही निडर फियरलेस लाइफ वो जिए, जो कि उन्होंने कभी भी नहीं जी अपनी मैरिज लाइफ के दौरान.
तो हमेशा आंट जेनिफर याद की जाएंगी। किसके द्वारा? अपने टाइगर, जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स बनाए थे उनके द्वारा वो याद की जाएंगी अपने प्राउड और फियरलेस लाइफ जीने की सिर्फ इच्छा के बारे में। ओके, सो लाइक दिस वी हैव कम टू द एंड। अब आगे हम इसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप यू ऑल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे।